हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले रूट क्रॉप्स में कैरेट क्रॉप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेडिश। रेडिश भी एक रूट क्रॉप्स है और जिसका बोटनिकल नेम होता है रेफिनस सटाइवस। फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली आती है। और ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका यूरोप रहता है। ठीक है, क्रोमोजो नंबर 18, एडिबल पार्ट रूट एंड लीव्स। कैरेट का भी एडिबल पार्ट रूट एंड लीव्स, क्रोमोसोम नंबर उसका भी 18 है, लेकिन फैमिली कैरेट की एपीएसी है, जबकि रेडिश की ब्रेसिकेसी फैमिली है। ब्रेसिकेसी फैमिली बोलो या फिर कॉल क्रॉप्स फैमिली, राइट? क्योंकि कॉल क्रॉप्स भी ब्रेसिकेसी फैमिली में आती हैं। अब बात करते हैं कि इसके रूट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा कि अगर अपन ने पढ़ा था कि कैरेट का जो है कांजी जो बनती थी वो भी गुड एपेटाइज़र थी, इसी प्रकार रेडिश की रूट भी गुड एपेटाइज़र है। इसके अलावा इफेक्टिव इन क्यूरिंग इन लीवर, आपके लीवर को ठीक करने काम आती है, गाल ब्लेडर को ठीक करने काम आती है, यूरिनरी जितने भी डिसऑर्डर है उनको ठीक करने काम आती है, पाइल्स को ठीक करने काम आती है। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें जो पंजेंसी पाई जाती है वो पंजेंसी रहती है आइसोथायोसाइनेट के कारण। ठीक है, तो आइसोथायोसाइनेट हमने जैसे पढ़ा था कि अनियन में पंजेंसी किसके कारण रहती है, तो वो रहती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, और गार्लिक में पंजेंसी रहती है डाई एलिल डाइसल्फाइड के कारण। इसी प्रकार रेडिश में जो पंजेंसी पाई जाती है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण पाई जाती है। इसके अलावा रेडिश में स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी भी पाई जाती है, राइट? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी दो प्रकार की रहती है ना, होमो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, हिटेरो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, तो होमो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी दो टाइप की रहती है, गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी एंड स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। तो रेडिश में जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है वो रहती है स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होता है? तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी वो होता है कि अगर एक ही फ्लावर के जो मेल और फीमेल ऑर्गन रहते हैं वो एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, जबकि दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, राइट? इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन फर्टाइल रहते हैं। सोइल एंड क्लाइमेट, अगर हम सोइल की बात करें तो सोइल का पीएच होता है 5.5 to 7, और एक कूल सीजन क्रॉप है। इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए रूट ग्रोथ के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड सूटेबल रहता है। इसमें भी दो प्रकार की वेराइटीज़ पाई जाती है। अगर एशियाटिक टाइप की जो वेराइटी रहती है वो हाई टेम्परेचर के प्रति टॉलरेंट रहती है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन टाइप। इसके अलावा इसके लिए सूटेबल वेदर कौन सा रहता है? तो हॉट वेदर की बात करते हैं तो जहाँ हॉट वेदर में इसकी रूट्स टफ हो जाती है एंड पिथीनेस आ जाती है, और जो इसकी पंजेंसी रहती है पंजेंसी भी ज़्यादा हो जाती है हॉट वेदर कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये सीज़न कौन सी? कूल सीज़न क्रॉप है। ठीक है, तो ये ड्राई वेदर को फेवर करती है, जबकि हॉट वेदर में इसमें टफनेस आ जाती है, पिथीनेस आ जाती है और पंजेंसी भी आने लगती है। लॉन्ग डे कपल्ड विथ हाई टेम्परेचर लीड्स टू प्री मेच्योर बोल्टिंग। ठीक है, अगर टेम्परेचर लंबे टाइम तक रहा तो उसमें क्या हो जाएगी? बोल्टिंग वाली प्रॉब्लम आने लगती है विदाउट एडक्वेट रूट फॉर्मेशन। पूरी रूट फॉर्मेशन मतलब कि अच्छी खासी जब रूट फॉर्मेशन होने लगती है उसके पहले ही उसमें बोल्टिंग वाली प्रॉब्लम आने लगती है। तो अपन कुल मिलाकर बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर इसके लिए सुटेबल टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सोविंग टाइम, सीड रेट एंड स्पेसिंग की बात करें तो सोविंग टाइम नदर्न प्लेन्स में अगर बात करते हैं तो एशियाटिक टाइप की जो वेराइटीज़ रहती है उनकी हम सोविंग टाइम अगस्त टू जनवरी में करते हैं, जबकि यूरोपियन टाइप की जो वेराइटीज रहती है वो सेप्टेम्बर टू मार्च के महीने में सोविंग कर देना चाहिए। सीड रेट की बात करते हैं तो सीड रेट इसमें 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, 9 to 12 kg per hectare। वहीं अगर हमने कैरेट की पढ़ी थी तो वो होती है 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, आप देखो फाइन सीडेड क्रॉप है, मतलब 1 ग्राम सीड में लगभग 80 से 125 सीड आ जाते हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो बस सीड रेट याद रखो कि 9 to 12 kg per हेक्टेयर। ठीक है, स्पेसिंग की बात करें तो यूरोपियन टाइप की जो स्पीसीज रहती है वो लगभग 30 बाय 5 या 30 बाय 10 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, जबकि एशियाटिक टाइप की जो वेराइटी रहती है वो 45 बाय 6 या 45 बाय
8 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे लगाई जाती है। सोविंग डेप्थ की बात करें तो फाइन सीडेड है, इसलिए लगभग 1.5 से 3 सेंटीमीटर सोइल के अंदर डीप लगाई जाती है। हार्वेस्टिंग यील्ड एंड स्टोरेज की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग देखो यूरोपियन टाइप की जो वेराइटी रहती है उनकी हार्वेस्टिंग 50 से 60 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। एशियाटिक टाइप की जो वेराइटी रहती है उसमें 25 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग आ जाती है, और जो मिड मेच्योरिटी वाली जो वेराइटीज़ रहती है वो लगभग 40 से 60 दिन का टाइम लेती है। यील्ड की बात करें तो देखिए उसमें भी कैरेट में भी यही था कि एशियाटिक वेराइटी ज़्यादा यील्ड देती है, रेडिश में भी यही है, एशियाटिक वेराइटी लगभग 200 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड देती है, जबकि यूरोपियन टाइप की जो वेराइटी रहती है तो ये लगभग 50 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड देती है। अगर स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं 2 महीने के लिए और 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, राइट। तो कैरेट का भी स्टोरेज टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर है, रेडिश का भी 0 डिग्री टेम्परेचर है, एशियाटिक वेराइटी इसमें भी हाई यील्ड देती है, यूरोपियन उसमें भी कम देती थी, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेम हैं, चाहे वो कैरेट की सॉइल पीएच हो, चाहे रेडिश की हो, चाहे स्टोरेज टेम्परेचर हो, राइट। और केवल अंतर आएगा तो फैमिली में आता है और कुछ डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। लगभग डिसऑर्डर भी सेम ही आएंगे। अगर डिसऑर्डर की बात करें तो पिथीनेस, देखो पिथीनेस कब होता है, जब आप हार्वेस्टिंग डिले करते हो, राइट। तो एक तो ये मेन रीज़न होता है पिथीनेस का, इसके अलावा क्या रहता है मेन रीज़न फॉर, यही है मेन रीज़न कि हार्वेस्टिंग डिले करना के कारण ही पिथीनेस आ जाती है, राइट। इसके अलावा और क्या डिसऑर्डर रहता है, फोर्किंग। तो देखिए फोर्किंग कैरेट का भी डिसऑर्डर है ना, या एलोंगेटेड रूट, इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव मॉइस्चर। अब ये क्यों होता है, एक्सेसिव मॉइस्चर के कारण ड्यूरिंग रूट डेवलपमेंट इन हैवी सॉइल विच लीड्स टू सॉइल कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। देखिए एक तो ये हो गया कि सॉइल कॉम्पैक्टनेस के कारण भी फोर्किंग होना था, फोर्किंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा है तो रूट डेवलपमेंट के समय सोइल मॉइस्चर ज़्यादा मिलने के कारण क्या होगा, रूट की लंबाई बढ़ती जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम बात करते हैं आकाशीन। तो देखिए आकाशीन नेट में पूछा जा चुका है, आकाशीन और पिथीनेस ये दोनों नेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इनको दोनों अच्छे तरीके से याद करना कि आकाशीन बोरोन डेफिशिएंसी से होता है और आकाशीन किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये रेडिश में ही पाया जाता है, ठीक है। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि रेडिश का ही पर्टिकुलर है, ये हम कैरेट में नहीं पढ़ते हैं, जबकि पिथीनेस कैरेट में भी होता है, फोर्किंग कैरेट में भी होता है, एलोंगेटेड रूट भी कैरेट में हो जाता है, ठीक है। लेकिन आकाशीन स्पेशली रेडिश में बात करते हैं इसकी। तो 3 इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पिथीनेस, फोर्किंग एंड आकाशीन, ठीक है। फोर्किंग क्या होता है, सॉइल कॉम्पैक्टनेस के कारण, पिथीनेस क्यों होता है, डिले हार्वेस्टिंग के कारण, और आकाशीन क्यों होता है, बोरोन डेफिशिएंसी के कारण। अगर इसकी प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो डिसीज़ में आती है इसकी डंपिंग ऑफ डिसीज़, तो हम पढ़ चुके हैं कि डंपिंग ऑफ डिसीज़ नर्सरी डिसीज़ होती है और ये फाइटोप्थोरा या पिथियम स्पीसीज से होती है, राइट। इसके अलावा सीडलिंग स्टेज में होती है। अल्टरनेरिया ब्लाइट, तो अल्टरनेरिया से होती है फंगल डिसीज़ से। इसके अलावा है वाइट रस्ट, तो देखो वाइट रस्ट होती है एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है, ये भी ये फंगल डिसीज़ है। और जो रस्ट है वाइट रस्ट, ये स्पेशली मस्टर्ड में होती है, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट इंसेक्ट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट में एफिड, इसके अलावा मस्टर्ड साफ्लाई। तो देखिए मस्टर्ड साफ्लाई अगर हम एंटोमोलॉजी में चले जाएंगे तो मस्टर्ड साफ्लाई का साइंटिफिक नेम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एथेलिया लूनस, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मस्टर्ड साफ्लाई एथेलिया लूनस। ब्रैसिकेसी फैमिली को मस्टर्ड फैमिली भी कहा जाता है ना, तो ये भी ध्यान में रखना। इसके अलावा है इंसेक्ट पेंटेड बग, जिसका साइंटिफिक नेम होता है बागरडा क्रूसीफेरम, ठीक है। तो ये इसका भी साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट है, पेंटेड बग का बागरडा क्रूसीफेरम। और ये दोनों इंसेक्ट मेजर है इसमें रेडिश क्रॉप में, ठीक है। इसके अलावा हम वेराइटीज़ की बात करते हैं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें 2 टाइप की वेराइटी रहती है, एशियाटिक एंड यूरोपियन वेराइटी, ठीक है। तो एशियाटिक वेराइटी जो रहती है इसको हम ट्रॉपिकल टाइप की वेराइटी भी कहते हैं, इसमें पूसा देसी, पूसा रश्मि, पूसा चेतकी, जापानीज वाइट, पूसा मृदुला, पंजाब सफ़ेद, पंजाब पसंद, अर्का निशांत बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, चाइनीज पिंक, हिसार मूली नंबर 1, कल्याणपुर नंबर 1, कल्याणपुर वाइट,
CO1, जौनपुरी, मूली, काशी श्वेता, काशी हंस। तो इसमें से इम्पोर्टेंट वेराइटी कौन कौन सी? पूसा देसी आपको याद होना चाहिए, पूसा रश्मि आपको याद होना चाहिए, पूसा चेतकी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? पूसा चेतकी और पूसा केतकी, ये दोनों डाउट वाली वेराइटी रहती है। तो पूसा चेतकी ये आपकी है रेडिश की वेराइटी, ठीक है, और पूसा केतकी आपकी कॉलीफ्लावर की वेराइटी है, ठीक है। जापानीज वाइट इम्पोर्टेंट वेराइटी है, इसके अलावा काशी श्वेता आपकी इम्पोर्टेंट वेराइटी है, चाइनीज पिंक इम्पोर्टेंट वेराइटी है, इसके अलावा अरका निशान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेराइटी है। अगर यूरोपियन टाइप की वेराइटी की बात करें तो यूरोपियन वेराइटीज को हम टेम्परेट टाइप वेराइटीज भी कहते हैं। इसमें आपकी फेमस वेराइटी है पूसा हिमानी, राइट? इसको आप कभी मत भूलना कि पूसा हिमानी रेडिश की वेराइटी है। वाइट आइसिकल रेडिश की वेराइटी है, रैपिड रेड वाइट टिप्ड, स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट लॉन्ग, सिल्वर क्वीन, क्वार्टा, फ्रेंच ब्रेकफास्ट एंड पालम हृदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ हैं, आप इसको ज़रूर याद करिएगा, चाहे पेज पर लिख के याद करिए, रट लीजिए डेली, क्योंकि वेजिटेबल में वेराइटीज़ तो याद होना ही चाहिए। अगर हाइब्रिड वेराइटी की बात करें तो पूसा हिमानी किसके क्रॉस है? तो रेडिश ब्लैक क्रॉस जापानीज वाइट, पूसा सफ़ेद तो वाइट 5X क्रॉस जापानीज वाइट। अगर पूसा रश्मि की बात करें तो पूसा रश्मि ग्रीन टाइप क्रॉस देसी टाइप का क्रॉस है, राइट? तो इसमें पूसा रश्मि या पूसा हिमानी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद कर लेना रेडिस ब्लैक क्रॉस जापानीज वाइट, ठीक है। अगर पूसा चेतकी की बात करें तो सुटेबल फॉर हॉट मंथ, है ना, गर्मियों में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा पूसा हिमानी की बात करते हैं तो पूसा हिमानी पूरे साल भर लगाई जा सकती है, राइट? पूसा हिमानी यूरोपियन या टेम्परेट टाइप की वेराइटी है, जबकि पूसा चेतकी एशियाटिक टाइप की वेराइटी है। इसके अलावा जो टेम्परेट वेराइटीज़ रहती है उनका नेचर बाइनियल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि टेम्परेट टाइप वेराइटी बाइनियल नेचर की होती है, जबकि एशियाटिक टाइप की वेराइटी एनिवली रहती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी रेडिश क्रॉप कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से वीडियो देखते होंगे, और आपको जो भी डाउट आए, जो कि जिस किसी क्रॉप के भी आप चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा आप अच्छे से रहिए, कोविड से बचे रहिए, राइट, घर में रहिए, वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।